सिवान लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब सबकी निगाह टिकी है 4 जून। 4 जून को यानी जब चुनावी नतीजे आएंगे तो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर जनता ने वोट दिया है तो कौन सिवान का सांसद बन रहा है। आप बता दें कि तमाम दल के जो नेता हैं अपने अपने तरह से अपना गणित बैठा रहे हैं और वहीं जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, वे भी लगातार चाय की दुकानों पर चुस्की लेते हुए अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तस्वीर भी हमको किसी ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें ये दिखाया गया कि सिवान लोकसभा 18 जो पोल है 52.50% जो पोल हुआ है, इस पोल को दिखाया गया यहाँ पर और ये बताने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 52.50% जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर एक अनुमानित आकलन निकाला गया है कि इस अनुमानित आकलन के हिसाब से किसको कितनी वोटें प्राप्त हुई होंगी। हालांकि ये जो डेटा है, ये डेटा में कितना सच्चाई है इसकी तो दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हद तक आपको इससे बहुत कुछ आइडिया लग। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85399 43151। लग सकता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुमानित आकलन साफ तौर पर लिखा हुआ है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान निकाला गया आकलन है और इस आकलन के माध्यम से समझिए कि जो 52.50% वोटिंग हुई है उसमें से किस उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। यानी अगर जाति समीकरण और मत की बात करें तो आप देख सकते हैं इस सीरीज में जाति समीकरण और ये आपको दिख जाएगा, वही कुल मतों की संख्या पर आप देख सकते हैं किसका कितना मत है यहाँ पर दिया हुआ है, वही यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटों की प्रतिशत, यानी किस उम्मीदवार को टोटल ये किस जाति का कितना वोट यहाँ पे गिरा है ये आप देख लीजिए। वही उम्मीदवारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, हेना साहब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, अवध बिहारी चौधरी और अन्य यहाँ पे दिए गए हैं। यानी इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर 52.50% वोटिंग हुई है तो राजपूत ब्राह्मण का वोट कितना है और कितने प्रतिशत वोट हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जिसने भी इसको बनाया उसमें एक गलती कर दिया है, तमाम वोटों को जो है 52.50% पर यह आंकड़ा निकाल दिया गया, क्योंकि ये 52.50% कुल वोटों की संख्या है। ऐसे में जाति हिसाब से 52.50% का आंकड़ा निकालना ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि किसी जाति का वोट 60% गिरा है तो किसी जाति का वोट 40% ही गिरा होगा और किसी जाति का 35% ही गिरा होगा और उन सबको मिला के ये 52.50 का आंकड़ा सबके बीच आता है। लेकिन अब हम इस पर बात कर लेते हैं, जो आंकड़ा हम लोग के सामने जो तस्वीर दिख रहा है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि अनुमानित आकलन है, असली जो रिजल्ट है ये तो जब ईवीएम मशीन खुलेगा 4 जून को तो ही पता चलेगा। अनुमानित आकलन के हिसाब से सपोज कीजिए कि राजपूत और ब्राह्मण का जो वोट है 408,028 वोट है। इसमें दिखाया गया है कि 214,214 वोटिंग हुआ है, जिसमें से 102,000 वोट जो हैं वे हेना साहब को मिले हैं, 108,000 वोट जो हैं वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मिले हैं, वही अवध बिहारी चौधरी को 3,000 और अन्य के खाते में 1,000 वोट यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं सबसे पहले श्रेणी में राजपूत ब्राह्मण को रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इन दोनों को मिला के हो रहा है 408,000, जिसमें से 214,000 वोटिंग प्रतिशत दिखाया गया है और 102,000 हेना साहब को और 108,000। यानी हेना साहब को अगर 48% वोट मिला है, टोटल राजपूत और ब्राह्मण के वोटों में से 48% हेना साहब को दिखाया गया तो वहीं लगभग 52% विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भी आप देख सकते हैं दिखाया गया है। यानी मान के चलिए 48% और 50% इनको कह लीजिए, बाकी के 2-3% में अवध बिहारी चौधरी और अन्य को दे दिया गया है। वही अब बात कर लेते हैं यादव समुदाय की, तो जो यादव समुदाय की वोट है, वोटिंग की बात है, तो यादव समुदाय की तरफ से आप देख सकते हैं टोटल वोटों की जो संख्या है 242,000 है।
तो आप देख सकते हैं 2,42,000 वोटों की जो संख्या है यादव समाज की, अब उसके हिसाब से किसको कितना वोट मिला होगा तो इस पर बात कर लेते हैं। तो जो वोटिंग प्रतिशत दिखाई गई है वो 1,27,050 वोट दिखाए गए हैं, यानी यादव समुदाय का जो वोट गिरा है वो 1,27,050 वोट, जिसमें से हेना साहब को 15,000 दिखाया जा रहा है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 2,500, यानी यादव समुदाय का जो वोट गिरा है आकलन के हिसाब से 15,000 हेना साहब को और 2,500 विजय लक्ष्मी कुशवाहा को गया होगा और 1,02,000 जो वोट हैं वे अवध बिहारी को और 7,500 अन्य को जाते हुए दिखाया गया इसमें। तो आप ये टोटल आकलन देख लीजिए और एक एक करके सबके बारे में हम बता रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुशवाहा समाज की। तो कुशवाहा समाज की जो वोट है टोटल आप देख सकते हैं, ये कुशवाहा समाज है 1,30,000 यहाँ पे वोट दिखाए गए हैं, 60% के आधार पर 78,000 वोटिंग प्रतिशत निकाले गए, यानी 78,000 वोटिंग का गिर गया है। वही हम बात करेंगे हेना साहब को कितना मिला है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा कितना, तो देख लीजिए 1,30,000 और वोटिंग हुआ है 78,000, इसके आधार पर 6,000 जो वोट है वे हेना साहब को मिला है, यानी कुशवाहा वोट जो है हेना साहब को 6,000। वही विजय लक्ष्मी कुशवाहा की बात करें तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को आप देख सकते हैं यहाँ पे 71,000 वोट प्राप्त हुए हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। वही अवध बिहारी चौधरी के खाते में महज 500 वोट दिखाए जा रहे हैं और 500 वोट अन्य के खाते में दिखाए जा रहे हैं, यानी कुशवाहा समुदाय का जो वोटिंग प्रतिशत है आप देख सकते हैं 60% के आधार पे 78,000 अगर वोट गिरे हैं तो 6,000 हेना साहब को, 71,000 विजय लक्ष्मी कुशवाहा को और 500 अवध बिहारी चौधरी और अन्य को गया हुआ है। वही आप बात कर लेते हैं सबसे दिलचस्प जो बात है वो मुस्लिम समुदाय की, कि आखिर मुस्लिम समुदाय का जो है वो कहाँ गिरा है वोट, आखिर मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो कितना वोट है और किसको कितना वोट प्राप्त हुआ है इसके हिसाब से भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम का टोटल वोट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,25,000 दिखाया गया है। 3,25,000 में अगर 60% का आधार पर, जैसे कुशवाहा का 60% का आधार पर था वैसे 60% के आधार पर दिखाया जाए तो आपको दिखा दे कि 1,95,525 वोट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें हेना साहब को दावा किया जा रहा है कि 1,92,000 वोट प्राप्त हुए हैं। वही विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मात्र 101 वोट दिखाए गए, हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं NDA में 101 वोट सिर्फ दिखा रहा है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को, इसमें बड़ा अंतर भी हो सकता है। और वही अवध बिहारी चौधरी को मुस्लिम वोटों की बात करें तो महज 2,500 वोट दिखाए गए हैं, इसमें भी आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, और अन्य के खातों में 924 वोट दिखाए गए हैं। इसके अलावा भूमिहार और कायस्थ की बात करें तो 1,05,000 टोटल वोट होता है और 55,315 वोटिंग दर्शाया गया है कि 55,315 वोट गिरे हैं, जिसमें से 18,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि 18,000 यानी लगभग 33% जो वोट है भूमिहार और कायस्थ का वो हेना साहब को दिखाया जा रहा है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 31,000 दिखाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे हेना साहब के मुकाबले अगर हेना साहब को 33% मिला है तो कहीं ना कहीं लगभग 60% जो वोट है भूमिहार और कायस्थ का वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा के फेवर में दिख रहा है यहाँ पे। वही अवध बिहारी चौधरी को महज 5,000 वोट मिला है और अन्य के खाते में गए हैं 1,315 वोट। अब हम बात कर लेते हैं कुर्मी मल्ला और तेरी जाति के जो लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो 1,75,500 वोट है, 1,75,500 वोट की बात करें तो टोटल जो वोट यहाँ से गिरा है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। टोटल वोटिंग का गिरा है आप देख सकते हैं 92,137 और इसके आधार पे हेना साहब को दिया गया है यहाँ पे 15,000 वोट और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिया गया है 20,000। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 20,000 दिया गया है और हेना साहब को आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 वोट दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा इसमें भी फेरबदल हो सकता है। अवध बिहारी चौधरी को टोटल यहाँ पे 40,000 दिखाया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो कि राजद गठबंधन के साथ थे इसलिए,
और कुर्मी मलाह तेली इसलिए दिखाया गया क्योंकि इसमें बनिया की भी बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा ये पहुँच आप देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है। अब बात करते हैं नोनिया समुदाय के, नोनिया कानू राजभर और अन्य, टोटल वोट है 180,000, 180,000 वोटों की हम तुलना आप देख लेते हैं किसको कितना वोट प्राप्त हुआ है इसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं नोनिया कानू राजभर और अन्य को मिला के यहाँ पे 180,000 वोट दिखाया गया है, जिसमें वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे देख सकते हैं 94,500 दिखाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 52% का ही यहाँ पे भी निकाला गया है। 20,000 वोट इसमें हेना साहब को दिया जा रहा है और 24,000 जो वोट है इसमें विजयलक्ष्मी कुशवाहा को दिया गया है, वहीं 48,000 वोट अवध बिहारी चौधरी को, तो अन्य को 2500 वोट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दीजिए 2500 वोट अन्य को दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 48,000 अवध बिहारी चौधरी को। सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें कि बैकवर्ड क्लास की भूमिका की बात कर लेते हैं कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वे किसकी तरफ गए हैं, कहाँ वोट गया है, तो इसमें जो आंकड़ा दिखाया गया बैकवर्ड का आप देख सकते हैं, इसमें बैकवर्ड जाति के लोग टोटल 281,000 वोट दिखाए गए हैं, और 281,000 में सबसे ज़्यादा वोट बैकवर्ड के किसको दिखाया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 281,000 में आप देख सकते हैं 147,500 वोट टोटल दिखा रहा है कि गिर चुका है, जिसमें से 22,000 वोट हेना साहब को जा रहा है, वहीं 45,000 यानी जितना हेना साहब को जा रहा है उससे दुगना वोट यहाँ पे विजयलक्ष्मी कुशवाहा को जाता हुआ दिख रहा है, और वहीं उससे 4 गुना ज़्यादा वोट अवध बिहारी चौधरी को, यानी अवध बिहारी चौधरी को 78,000 और अन्य के खाते में 25,000 वोट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें जो अनुमानित आकलन है इस आकलन के आधार पर जब टोटल वोटों की संख्या को एकजुट किया जाता है तब जाके किसकी जीत होती है, तो देखिए साफ तौर पर आप देख लीजिए इसमें किसकी जीत दिखाई जा रही है, ये पूरा का पूरा अनुमानित आकलन है, इसलिए इसको अनुमानित आकलन ही समझे, इसको फाइनल रिजल्ट या किसी तरह का सर्वे नहीं समझे, एक बस एक छोटा सा एक आकलन किसी ने किया है और करके हमको भेजा है, जिसको हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, और भेजने वाले ने बड़े ही साफ शब्दों में लिख दिया है कि आगामी 4 जून को वास्तविक परिणाम तो आएगा ही, तब तक के लिए उधेड़बुन में लगे रहना भी नींद को हराम करने जैसा ही होगा, यानी जिस व्यक्ति ने इसको बनाया है उसने साफ तौर पे कह दिया है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग से सोचकर एक आकलन किया गया है, और इस आकलन में कोई शक सुभाव नहीं है कि बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन इस आकलन के हिसाब से आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी को टोटल वोट मिल रहे हैं 279,000, अन्य के खाते में जा रहा है 18,376 वोट, और वहीं विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 301,600 वोट प्राप्त हो रहे हैं, तो हेना साहब को वहीं 390,000 वोट प्राप्त हो रहे हैं, यानी इस हिसाब से इसमें दिखाया गया कि लगभग आपको बता दें कि 88,000 वोटों से हेना साहब को इसमें जीत दिखाया गया है, यानी जो हेना साहब हैं उनको इसमें जीत दिखाया गया है, और वो जीत 88,000 वोटों से है। तो कहीं ना कहीं जो आकलन निकाला गया है इस आकलन में मैंने पहले भी कहा कि बड़ा फेरबदल हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं राजपूत और ब्राह्मण के वोटों को सीधे आधा आधा कर दिया गया है, और आधा आधा वोटों में 102,000 वोट जो है हेना साहब को दिया गया है, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को उससे भी ज़्यादा वोट दिया गया। हालांकि चुनाव में जब हेना साहब ने नारा दिया था कि सब रंग हमारे हैं, तो कहा यह जा रहा था कि खास करके जो फॉरवर्ड समुदाय के लोग हैं राजपूत और ब्राह्मण ये बढ़ चढ़ के हेना साहब के साथ है, बावजूद इसके उनके टोटल वोटों में से इतना इतना कर दिया गया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि 408,000 वोट है तो उनका 214,000 वोट गिर ही गया होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है 214,000 ना गिर के इनका 1.5 लाख ही वोट गिरा हो, ये भी हो सकता है कि 1 लाख वोट गिरा हो, ये भी हो सकता है कि इन आंकड़ों से ज़्यादा भी वोट गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित आकलन के हिसाब से वही आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम में एक बड़ा अंतर दिख रहा है, यानी 195,525 वोट अगर गिरे हैं तो जरूरी नहीं कि हेना साहब को 192,000 वोट मिल जाएगा और बाकी लोग को वोट ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मात्र 101 दिखाया गया, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार के नाम पर भी इनको अच्छा वोट आ सकता है। वहीं अवध बिहारी चौधरी
अवध बिहारी चौधरी के साथ भी मुसलमान कहीं ना कहीं काफ़ी लोग थे जो मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें भी अंतर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो अनुमानित आकलन है उसके हिसाब से 88,000 वोटों से हेना साहब को इसमें जीत दिखाया गया है। वही एक और आकलन है हमारे पास जिसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 1,00,000 वोटों से जीत दिखाया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम दिखाएंगे कि उसमें किसको कितना वोट दिया गया है जिससे 1,00,000 वोटों से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीतते हुए दिखाई दे रही है। ये तमाम जो खबर हमने आपको दिखाया इसको सिर्फ और सिर्फ एक आप अनुमानित आकलन समझेंगे, अदरवाइज इसको नहीं लेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।